सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो प्रशिक्षण है, दोस्तों यहाँ पर आप देखिए ऊपर लिखा हुआ डीएलएड बैच 2018-2019 के समस्त सेमेस्टर के अवशेष प्रशिक्षुओं एवं डीएलएड बैच 2021 प्रथम सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं के इंटेंसिव प्रशिक्षण के संबंध में लेटर जारी किया गया है। मथुरा से ये भी एक और न्यूज आई थी आपके प्रशिक्षण को ही लेकर के, तो भी हमने आपको बताया था। और यहाँ पर देखिए मथुरा डाइट की तरफ से अब जो 2019 बैच में जितने भी छूटे हुए प्रशिक्षु हैं जिनका इंटर्नशिप नहीं कंप्लीट हो पाया है या 18 बैच के सभी का प्रथम सेमेस्टर का जो प्रशिक्षण है, जो इंटर्नशिप है, वो लगने जा रहा है। कब से लग रहा है, किस तरीके से आपको प्रशिक्षण करना है, ऑफलाइन ऑनलाइन सारी बातें यहाँ पर बताई गई हैं। तो उपयुक्त विषय जनपद मथुरा में संचालित डाइट एवं निजी डीएलएड प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण रत डीएलएड बैच 2018-2019 के समस्त सेमेस्टर के अवशेष प्रशिक्षुओं एवं डीएलएड बैच 2021 प्रथम सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं का इंटर्नशिप प्रशिक्षण दिनांक 1 फरवरी 2022 से 30 कार्य दिवस तक निर्धारित किया गया है, जिसमें इंटर्नशिप प्रशिक्षण कार्यक्रम निम्न अनुसार निर्धारित किया जाता है। यानी कि आज से प्रशिक्षण शुरू हो गया है और अगर मथुरा डाइट में शुरू कर दिया गया है तो ये आप मान के चलिए कि धीरे धीरे जितने भी कॉलेज हैं, जितने भी डाइट हैं, सारे के सारे डाइट इस तरीके से जारी करेंगे और जितने निजी डीएलएड कॉलेज हैं सभी को समय से अपना जो इंटर्नशिप है वो कम्प्लीट कराना होगा। और आप देख सकते हो यहाँ पर सारी जानकारी दी गई है कब से कब तक यहाँ पर आप लोगों का जो इंटर्नशिप है वो शुरू करना है। तो आज 1 फरवरी है, आज आप लोगों को ज्वाइन करना होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों ने जाकर के विद्यालय में ज्वाइन कर लिया होगा, कार्यभार ग्रहण कर लिया होगा। और इसके बाद आपको कब तक इंटर्नशिप करनी है, तो जो इंटर्नशिप है वो 1 फरवरी से आज से स्टार्ट हो रही है। तो आज का एक दिन आपका गिन लिया गया। इस तरीके से आप जितने दिन स्कूल जाएंगे या ये कहें जितने दिन स्कूल खुला रहेगा, जब जिस दिन आपका 30 दिन पूरा हो गया उसी दिन आपका जो टीचिंग है वो कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि 30 कार्य दिवस तक आप लोगों को जाना है। ये नहीं कि 1 फरवरी से 1 मार्च तक, इस तरीके से नहीं होगा। आप लोगों की इंटर्नशिप 1 फरवरी को लग रही है तो ये इंटर्नशिप उसी दिन कंप्लीट होगी जिस दिन आपने पूरा 30 दिन अपना कंप्लीट कर लिया विद्यालय में जाने का। इसके बाद देखिए संबंधित प्रधानाध्यापक, प्रभारी शिक्षक, परिषदीय विद्यालय द्वारा कार्यमुक्त आख्या वेबसाइट पर पूरित करना तथा ऑफलाइन मूल्यांकन प्रपत्र पूरित करके संबंधित संस्थान को बंद लिफाफे में उपलब्ध कराना। तो 30 कार्य दिवस जब आपको कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप लोगों को अपना जो आख्या पत्र है आपका, यानी कि मूल्यांकन प्रपत्र जिस जो 100 नंबर का होता है उसको भर करके जो आपके स्कूल के प्रधानाध्यापक होते हैं वो आपको देते हैं और फिर उसी को लेकर के आपको अपने कॉलेज में आना होता है और वह नंबर आप लोगों के फिर आपके मार्कशीट पर चढ़े हुए दिखाई देते हैं आपको, आपके रिजल्ट पर। तो इस तरीके से ये पूरी न्यूज थी। और यहाँ पर देखिए आप लोगों को मैंने पहले ही कहा है कि आप लोग की जो इंटर्नशिप है वो ऑफलाइन होगी, ऑनलाइन नहीं होगी, ऑफलाइन होगी। तो इसीलिए आप लोगों को स्कूल जाना है और बच्चों को पढ़ाना है। तो इस तरीके से बच्चों को क्या, बच्चे इस समय नहीं आ रहे हैं तो आप लोगों को व्हाट्सएप के माध्यम से ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाना है या मोहल्ला क्लास के माध्यम से पढ़ाना, जिस तरीके से आपके विद्यालय में शिक्षक पढ़ा रहे होंगे, आप जिस भी विद्यालय में आपकी टीचिंग लगेगी आपको वहां पर जाना है। और अगर आपको यह जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी किस तरीके से टीचिंग लगती है, कैसे आपको फाइल बनानी होती है और क्या क्या समस्याएं आती हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। अगर आप डिटेल में आप लोग जानना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करिएगा, सारी जानकारी आपको चैनल पर मिलेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको सारे के सारे विषयों की लिंक मिल जाएगी। फर्स्ट सेमेस्टर के आप सारे विषयों को पढ़िए और जहां कहीं कोई भी समस्या आ रही है हमसे बताइए। यहाँ ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आपको सारे के सारे विषयों की वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको सारे के सारे विषयों की लिंक मिल जाएगी। जहां कहीं कोई भी समस्या आ रही है हमसे बताइए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बगल में बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर दीजिएगा। अब यहाँ पर ये जो न्यूज है आप इसको देख सकते हो, इसमें आप लोगों को ऑनलाइन सेमिनार आयोजित किया जाएगा यूट्यूब चैनल पर, वो SCERT के यूट्यूब चैनल पर ये होगा प्रसारित। और इसमें नई शिक्षा नीति के बारे में आप सभी डीएलएड प्रशिक्षुओं को जानकारी दी जाएगी। तो ये ऑनलाइन व्याख्यान यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से इसको आपके कॉलेज के जितने भी जो आप लोगों को पढ़ाते हैं या जो आपको प्रशिक्षण दे रहे हैं प्रशिक्षक, और आपको सभी को इसको इसको सुनना है। और इस तरीके से यहाँ पर आप देखिए SCERT के फेसबुक पेज पर भी और यूट्यूब चैनल पर भी ये प्रसारित किया जाएगा। तो इसको आपको देखना है, इस सेमिनार को अटेंड करना है, इस कार्यक्रम को। और यहाँ पर इसका लिंक भी दिया हुआ है, आप देख सकते हो, इस लिंक पर क्लिक करके आप
इस लिंक को आप जब भरोगे तो यहाँ पर आपको ये सेमिनार मिल जाएगा। इसमें आप देख करके नई शिक्षा नीति के बारे में बहुत सारी चीजें सीख पाएंगे, आप देख सकते हैं। और ये आप देखिए, आज से लेकर के 3 फरवरी तक ये स्टार्ट ये चलेगा, तो इसको आप देख सकते हैं और बहुत सारी नई नई चीजें सीख सकते हैं। और यहाँ पर सारी बातें आपको, मैक्सिमम चीजें आपको नई शिक्षा नीति के बारे में जानने को मिलेंगी। इसके अलावा आप लोगों को जो शिक्षा में इस समय चुनौतियां आ रही हैं, कौन कौन सी चुनौतियां हैं, कैसे उनको हम नए नए आइडियाज के माध्यम से दूर कर सकते हैं, जो चुनौतियां आ रही हैं उन्हीं के बारे में आपको यहां पर जानकारी दी जाएगी। तो ये हो गया पूरा आप लोगों का आज का न्यूज। उम्मीद करती हूँ कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी और आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक जरूर शेयर करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल से बने रहिए और आपके लिए सारे वीडियोस हम लेकर के आते रहेंगे। और जहां कहीं कोई भी समस्या आए हमसे बताते रहिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए एक बार फिर से आप सभी का बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।